हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस, आज मैं बैल चलाने के लिए जा रहा हूँ। तो आज ब्लॉग अपना गांव में ही बनेगा, तो आप वीडियो बने रहिएगा और देखिएगा कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं। फिर तो पहाड़ साइड लेकर के जाएंगे, तो हम लोग का बैल को दिखा देता हूँ। हमारे पास एक गैया है, बछड़ा है एक ठो। गाइस इधर दो बैल और है, इसका नाम है लोम्बू और ये है मुढ़ू। तो वीडियो में आप बने रहिए। गाइस मैं वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग वीडियो, और आप सभी देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, और भी सपोर्ट कीजिएगा। अभी मैं नया हूँ वीडियो बनाने में, तो कहीं पर गलती होता है उसको ध्यान मान दीजिएगा। जो भी अच्छा लगता है उसको देखिएगा, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और गाइस आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट रहा तो हमको थोड़ा हिम्मत लगेगा और अच्छा अच्छा भी वीडियो बनाएंगे। एंड गाइस सपोर्ट कीजिए। एंड गाइस और लोग भी लेकर के आ रहे हैं बैल को, साथ में विजय भी हैं, तो आज साथ में ही चराएंगे सबको ही। एंड गाइस देख सकते हैं बैल बहुत ही अच्छा तरीका से चर रहा है। और चराने के लिए हम लोग 5 लोग आए हैं। एंड गाइस हमारा विलेज बहुत ही हरा भरा, बहुत ही सुंदर है। गाइस ये पुटुस फूल है, पुटुस का झुड़ है, बहुत ही सुंदर तरीके से फूला है फूल। ये रास्ता बोल रहा था, अभी नहीं शाम सुनी को भी। गैस यहाँ पर खाए है और बकरिया यहीं पर चर रहा है। एंड गाइस बैल सबको पानी उनी पिला लिए हैं, फिर आज जा रहे हैं उधर चराने के लिए। कल भी लाए थे इधर ही, आज भी लेकर के आए हैं। हमारे गांव में जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, सब साइड खेती किए हैं, कहीं पर उड़द तो कहीं पर रहड़ तो कहीं पर धान का खेती है, जिसके कारण थोड़ा जगह के लिए प्रॉब्लम है। फिर भी से वैसे भी तो है यहाँ पर घास उस, जिंदल घुसा हुआ है धान में। अरे एक बैल घुस गया है धान में, खा रहा है इसको। एंड गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग छाया में जा रहे हैं, आम पेड़ के नीचे। एंड गाइस इससे पहले 2-4 दिन पहले करमा था, और वीडियो को मैं अपलोड भी कर दिया था एडिट करके, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। शायद क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे को पता नहीं है, कॉपीराइट लिखा गया है मेरा वीडियो में, तो उसको डिलीट कर दिया हूँ मैं। अभी दूसरा एडिट करना पड़ेगा मेरे को, एडिट करके अब दूसरा डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब क्या करें, मेहनत लगा था उसमें थोड़ा मोड़ा, अब दूसरा एडिट करके डालना पड़ेगा।
कोई कोई देख लिया था वीडियो को और कोई कोई नहीं देखे हैं, तो दूसरी बार डालेंगे आप, नेक्स्ट बार देख लीजिएगा आप। इनका भूख लग रहा है तो हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर बैल को चरा रहे हैं। खेतों के बीच में जा रहे हैं हम लोग। घास बहुत है इधर। ऐसे यहाँ पर गोड़ा में धान का खेती है, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग का गोड़ा है, धान के बीचों में बीच में मक्का का खेती भी है और आगे मूंगफली का खेती भी है। ये देखिए बादाम का खेती और घास बहुत है इसमें। इसको उखाड़ना था घास को, लेकिन नहीं उखाड़ पाए, उतना अच्छा से नहीं हुआ है। और ये है हम लोग का घोड़ा। बगल में आम का बगीचा है। और ये मामा लोग का है, दो मामा। और हम लोग चल रहे हैं झूठ झाड़ में। गाइस यहाँ पर बच्चे लोग स्कूल आए थे, लेकिन स्कूल बंद है, इसको पता नहीं था। और इन लोग खेल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं। अभी खाना खाएंगे, फिर से जाएंगे बैल चराने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। गाइस खाना खा लिए हैं, फिर से वापस जा रहे हैं बैल चराने के लिए। तो आज घर में सब्जी बना था, लौकी सब्जी बना था, बढ़िया लगा। और चावल उसना चावल बना था, ज़्यादा नहीं खाया हूँ, थोड़ा सा खाया। गाइस आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप कर रहा है, गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है। छतरी भी पकड़ा हूँ मैं छाया के लिए। कहीं पर पेड़ मिल जाता है तो छाया के लिए मस्त बैठने के लिए बनता है। और ऐसे ही खुले जगह में तो छतरी पकड़ना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, राम राम। तो आप खाना खाने के जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं बैल चराने गया था सवेरे वही 10:30 बजे बैल चराने के लिए प्रस्थान इधर लिए थे। तो मैं भूख से थोड़ा पीड़ित हूँ अभी, तो मैं चलता हूँ घर ठीक है खाने के लिए। जल्दी है ना फिर जी। तो भैया ने जा रहे हैं खाना खाने के लिए, हम लोग तो खा लिए हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा पानी पिला रहे हैं, फिर अभी तुरंत घर लेंगे। करा लिए हैं, अभी वापस ले रहे हैं, पानी वानी पिया है दरिया में। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं करेल पकड़ा हूँ, 4 मिला है मेरे को। अभी इसको सब्जी बनाएंगे मस्त भूड़ी। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं बैल को लेकर के।
एंड गैस बेल उल बांध लिया हूँ, रात भी हो गया है अभी। तो गैस आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखते हैं फिर। सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए।